हेलो दोस्तों, क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि एक वेस्टर्न कमोड बिठाने के लिए आपको मिनिमम कितना एरिया का टॉयलेट होना ज़रूरी है? टॉयलेट की मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए? टॉयलेट की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए जिसमें कि हम लोग वेस्टर्न कमोड बिठा सके? तो ये अगर आपको जानना है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। तो मेरा नाम है कौस्तुभ आहिर, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और मैं पिछले 8 साल से कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये चीज़ डिटेल में समझाने वाला हूँ कि एक टॉयलेट का मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए अगर आप लोगों को वेस्टर्न कमोड उसमें फिक्स करना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस कमोड का साइज कितना होता है, उसका मिनिमम विड्थ कितना होता है और एवरेज विड्थ, और उसका लेंथ कितना होता है। तो वो चीज़ हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऑन एन एवरेज यहाँ पे जो विड्थ होता है कमोड का वो हमने लिया है 1 फीट 3 इंच। 1 फीट 3 इंच का मतलब है 375 mm, 375 mm। ठीक है, तो ये वेरी करेगा। कभी आप लोग देखेंगे कि कमोड का जो विड्थ है वो हो सकता है 360 mm भी हो सकता है, 375 mm भी हो सकता है, या 380 mm भी हो सकता है। ठीक है, इसके बीच में वो वेरी करेगा, बट ऑन एन एवरेज हमने अभी के लिए ये जो विड्थ लिया है वो लिया है 1 फीट 3 इंच, जिसका मतलब है 375 mm। उसके साथ ही कमोड का जो ऑन एन एवरेज जो लेंथ हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं वो है 2 फीट। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली 2 फीट नहीं होगा, कभी ये 580 mm हो सकता है। 2 फीट का मतलब है 600 mm, तो ये कभी 580 mm भी हो सकता है, 590 mm भी हो सकता है, 600 mm भी हो सकता है और 610 mm भी हो सकता है। तो ये भी वेरी करेगा स्मॉल अमाउंट से। तो ऑन एन एवरेज हम अभी के लिए कंसिडर कर रहे हैं 2 फीट एग्जैक्टली, 600 mm। ठीक है, तो ये हो गया एक ऑन एन एवरेज साइज कमोड का। विड्थ होगा उसका 1 फीट 3 इंच और उसका लेंथ हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 2 फीट। ठीक है, तो इस साइज को कंसिडर करते हुए अभी हम लोग देखेंगे कि एक टॉयलेट का मिनिमम साइज क्या होना चाहिए, उसका लेंथ कितना होना चाहिए और उसका विड्थ मिनिमम कितना होना चाहिए। ठीक है, इस कमोड के साइज के हिसाब से। तो अभी आप लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये एक टॉयलेट हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं यहाँ पे, उसमें एक वेस्टर्न कमोड भी दिखाया है। तो इसमें मिनिमम जो टॉयलेट का जो आपका विड्थ होना चाहिए वो होना चाहिए 3.5 फीट, 3 फीट 6 इंच, ये हो गया 3.5 फीट। ठीक है, और इसी तरह टॉयलेट का जो लेंथ होना चाहिए मिनिमम वो होना चाहिए 4 फीट 6 इंच। यस, 4 फीट 6 इंच जो टॉयलेट का जो लेंथ है वो इतना मिनिमम होना चाहिए। अभी इसमें 4 फीट 6 इंच हमने कैसे लिया है, तो यहाँ पे हमने जो इस कमोड का जो एवरेज लेंथ देखा था वो था 2 फीट, करेक्ट। तो यहाँ तक जो हो गया वो हो गया 2 फीट, और इसके आगे जनरली हम लोगों को कम से कम 2.5 फीट क्लियर स्पेस छोड़ना पड़ता है कमोड के सामने। ठीक है, इसको एक रूल समझ लीजिए कि जो कमोड जहां पे एंड होगा वहां से सामने हमको 2 या 2.5 फीट का मिनिमम सामने जो है जगह ओपन स्पेस छोड़ना पड़ता है, क्लियर स्पेस। ठीक है, तो ये 2 फीट कमोड का लेंथ प्लस 2.5 फीट उसके सामने क्लियर स्पेस, तो 2 प्लस 2.5 वो हो गया 4.5 फीट। तो इस तरीके से हमको एटलीस्ट जो टॉयलेट का लेंथ होना चाहिए वो होना चाहिए 4.5 फीट, और उसका जो मिनिमम विड्थ होना चाहिए वो होना चाहिए 3.5 फीट का। ठीक है, तो इस केस में हमने जो टॉयलेट का जो ये दरवाजा है उसका जो विड्थ कंसिडर किया है वो भी किया है 2.5 फीट का, 750 mm का। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड विड्थ है जो कि हम लोग टॉयलेट और बाथरूम के लिए कंसिडर करते हैं। 2.5 फीट का जनरली डुअर होता है टॉयलेट और बाथरूम के लिए, तो वही हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया है। तो ये हो गया एक मिनिमम रिक्वायरमेंट, इतना मिनिमम एरिया हमको चाहिए टॉयलेट के लिए अगर आप लोगों को वेस्टर्न कमोड उसमें फिक्स करना है। तो इसके साथ ही अगर अगर मान के चलिए आपके पास इससे भी कम लेंथ अवेलेबल है, विड्थ तो हमको इतना ही लगेगा 3.5 फीट का, लेकिन सपोज आपके पास 4.5 फीट का लेंथ अगर अवेलेबल नहीं है, मान के चलिए 4 फीट का है या 3.5 फीट का ही है। ठीक है, तो 3.5 फीट में तो मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा आपको वेस्टर्न कमोड बिठाना। अगर मिनिमम आपके पास 4 फीट का अगर लेंथ अवेलेबल है टॉयलेट में, तो उस केस में आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे जो 2.5 फीट का दरवाजा है
वो तो ओपन नहीं होगा। अगर आपका जो लेंथ है टॉयलेट का वो अगर 4 फीट है, 4.5 फीट नहीं है, 4 फीट ही है, तो उस केस में क्या होगा, अगर आप 2.5 फीट का एक सिंगल शटर का अगर दरवाजा यहाँ पे बिठाएंगे तो वो ओपन नहीं होगा, वो इस कमोड को हिट करेगा, ठीक है, वो ओपन नहीं हो पाएगा। तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हैं, वो जो 2 शटर वाला जो दरवाजा होता है, जो बीच में से ओपन होता है, जो सेंटर से ओपन होता है, तो उस तरीके का दरवाजा आप लोग यूज करके उस केस में भी आप लोग कमोड बिठा सकते हैं, ठीक है। जस्ट एक ही आपको चेंज करना पड़ेगा कि सिंगल शटर की जगह पे आपको 2 शटर वाला जो दरवाजा है वो वहां पे यूज करना होगा, अगर आपके पास लेंथ कम है तो। 4 फीट या 3.5 फीट का अगर लेंथ आपके पास है तो उस केस में आप लोगों को वो जो सेंटर ओपनिंग वाला दरवाजा है वो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेल में समझाया कि अगर आप लोगों को वेस्टर्न कमोड अगर फिक्स करना है तो मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट क्या है टॉयलेट के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और यूजफुल लगी होगी। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।